लाइफलाइन नर्सिंग होम एवं जर्नल हॉस्पिटल प्राइवेट व जर्नल वार्ड एवं एम्बुलेंस सुविधा प्रत्येक शुक्रवार शनिवार व रविवार को स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सुविधा। हमारा पता है विद्या विहार कॉलोनी के बाजू में सहजपुर तेराहा देवरी। सागर जिले के केसली जनपद की नारायणपुर पंचायत में लोगों को पानी की समस्या बहुत ही परेशान कर रही है। यहाँ के ग्रामीण आक्रोश में हैं। सरपंच ठेकेदार जिसने नल जल योजना का ठेका लिया था वह यहाँ सामने भी नहीं आ रहे। ग्रामीणों का कहना है कि 2200 लोगों की आबादी में सिर्फ एक ही ट्यूबवेल गाँव में है। जिससे समस्त गांव के लोग सुबह से पानी भरने के लिए कतार में खड़े होकर अपने नंबर का इंतजार करते हैं। यहां के ग्रामीणों का कहना है कि जब ट्यूबवेल की मोटर खराब हो जाती है या लाइट नहीं होती तो ग्रामीण एक एक बूंद पानी को तरस जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 1.5 वर्ष पहले इस नल जल योजना का शुभारम्भ किया गया था, परंतु इस योजना का ग्रामीणों को किसी भी तरह से लाभ नहीं हुआ। 5 साल से देख रहा है नल योजना हो चुकी है, पूरे गांव में नल की माने सप्लाई हो गई। नल नहीं लग रहा, पानी की समस्या। एक बोर अभी कम बंद हो जाए 2 दिन के लाने तो आदमी 3 किलोमीटर से पानी भर के ले आ। तो आपने ठेकेदार से बात नहीं की? ठेकेदार अब हमें वही पता तो हो रहा है कौन सा ठेकेदार है ना। हमारे बस्ती वाले हो मत हो कोट गाजर हो कोई मूली हो। सरपंच सचिव से कह हो जाए तो पूरा रोड में टुवा दो सीसी दिक्कत हो जाए। 15 दिना बाद मुझे हमारे 25 साल से सरपंच है बंसीलाल भूतपूर्व सरपंच इनसे भी। जब नारायणपुर पंचायत के सरपंच साहब से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा यह योजना उनकी जानकारी में नहीं है और उन्होंने ठेकेदार से बात करने को लेकर इस बात को खत्म कर दिया। लेकिन अब यहाँ के ग्रामीण परेशान हो रहे हैं एक एक बूंद पानी को। आखिर वह किसके पास जाए और किसे अपना दुखड़ा सुनाए? बूंद बूंद से तरतरा है तरतरा? और सब कार्य एक तरफ है, पानी का काम एक तरफ एक है। और एक बोर चल रहा है, एक बोर मात्र पाइप लाइन पूरे गांव में डरी है करीबन 1.5 साल पहले। अब कहीं ना नल गए उनने न कुछ किया, पानी से बहुत परेशान है। सागर एक्सप्रेस न्यूज के लिए बिमलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।